अमोघ शिव कवचम। प्रेम से बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। महादेव शिव शंभु के भक्त जनों, देवी देवताओं को प्रसन्न करने तथा अपनी रक्षा हेतु उद्धत करने के लिए कवच स्तोत्र मंत्रों का जप किया जाता है। मुख्य मुख्य देवी देवताओं के कवच स्तोत्र मिलते हैं, जैसे नारायण कवच, देवी कवच, शिव कवच, हनुमान कवच, काली कवच तथा श्रीराम रक्षा कवच आदि। कवच अर्थात अंग रक्षी, जिससे संपूर्ण शरीर की रक्षा होती है। जैसे युद्ध में योद्धा कवच पहनकर शत्रु के सब प्रकार के प्रहारों से सुरक्षित रहता है, वैसे ही मनुष्य इन कवच स्तोत्रों के पढ़ने और इनके मंत्रों के जप करने से सब संकट और प्रहारों से इष्ट देव की कृपा द्वारा सुरक्षित हो जाता है और जिस विपत्ति में पड़ा हो उससे शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। यह अमोघ शिव कवच सब पापों को दूर करने वाला, सारे अमंगलों से बचाने वाला, समस्त विघ्न बाधाओं को हरने वाला, परम गोपनीय, परम पवित्र, परम हितकारी, अत्यंत आदरणीय, जयप्रद और संपूर्ण विपत्तियों का नाशक माना गया है। यह सब भयों को दूर करता है। इस कवच का पाठ करने वाले साधक के शरीर के आसपास एक सुरक्षा घेरा सा बना रहता है, जिससे किसी भी तरह की नकारात्मक शक्तियों का असर साधक या साधक के परिवार पर कदापि नहीं होता। इसके प्रभाव से क्षीणायु तथा मृत्यु के समीप पहुंचा हुआ रोगी मनुष्य भी शीघ्र निरोगता को प्राप्त करता है और उसे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इस अमोघ शिव कवच का नियमित पाठ करने वाले उपासक की अकाल मृत्यु नहीं होती। धन के अभाव से पीड़ित मनुष्य की सारी दरिद्रता दूर हो जाती है और उसको सुख तथा वैभव की प्राप्ति होती है। पापी मनुष्य भी महापातक से छूट जाता है और इसे श्रद्धा पूर्वक धारण करने वाला मनुष्य देह के अंत के बाद दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त होता है। सर्वप्रथम हम संस्कृत में विनियोग, तत्पश्चात ऋष्यादि न्यास, कर न्यास और हृदयांग न्यास करके भगवान शंकर का ध्यान करेंगे। तदनंतर हिंदी में कवच का पाठ करेंगे। प्रेम से बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। विनियोग। अस्य श्री शिव कवच स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री सदा शिव रुद्रो देवता ह्रीं शक्ति वं कीलकम् श्रीं ह्रीं क्लीं बीजं सदा शिव प्रीत्यर्थे शिव कवस्तोत्र जपे विनियोगः ऋष्यादिन्यासः। ओम ब्रह्म ऋषे नमः शिरसि अनुष्टुप छंदसे नमः मुखे श्री सदा शिव रुद्रो देवताये नमः हृदि वं कीलकाय नमः नाभो श्री म्रीम कलिमती बीजाय नमः गुहये विनियोगाय नमः सर्वांगे। अतः करन्यासः। ओम नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ओम ह्रीं राम सर्वशक्तिधामिने ईशात्मने अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ओम नम ह्रीं नित्यतृप्तधामिने तत्पुरुषात्मने तर्जनीभ्याम नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ओम मम रुम अनादिशक्तिधामिने अघोरात्मने मध्यमाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ओम शिं रैं स्वतंत्रशक्तिधामिने वाम देवात्मने अनामिकाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ओम वाम रौं अलुप्त शक्तिधामिने सद्यो जातात्मने कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ओम यम रह अनादिशक्तिधामिने सर्वात्मने करतल करपृष्ठाभ्याम नमः। हृदयांग न्यासः।
ओम नमो भगवते ज्वलज्ज्वाला मालिने, ओम ह्रीं राम सर्वशक्ति धामिने ईशात्मने हृदयाय नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्ज्वाला मालिने, ओम नम ह्रीं नृत्य तृप्त धामने तत्पुरुषात्मने शिरसे स्वाहा। ओम नमो भगवते ज्वलज्ज्वाला मालिने, ओम मम रुम अनादि शक्ति धामने अघोरात्मने शिखायै वशट। ओम नमो भगवते ज्वलज्ज्वाला मालिने, ओम शिम रैम स्वतंत्र शक्ति धामिने वाम देवात्मने कवचाय हुम। ओम नमो भगवते ज्वलज्ज्वाला मालिने, ओम वाम रौम अलुप्त शक्ति धामिने सद्यो जातात्मने नेत्रत्रयाय वौषट। ओम नमो भगवते ज्वलज्ज्वाला मालिने, ओम यम रह अनादि शक्ति धामिने सर्वात्मने अस्त्राय फट। अथ ध्यानम्। जिनकी दाढ़ें वज्र के समान हैं, जो तीन नेत्र धारण करते हैं, जिनके कंठ में हलाहल का नील चिन्ह सुशोभित होता है, जो शत्रु भाव रखने वाले का दमन करते हैं, जिनके सहस्त्रों कर अर्थात हाथ अथवा किरणें हैं, तथा जो अभक्तों के लिए अत्यंत उग्र हैं, उन उमापति महादेव शंभु को मैं प्रणाम करता हूँ। ऋषभ उवाच। ऋषभ जी बोले, जो संपूर्ण पुराणों में गोपनीय कहा गया है, जो समस्त पापों को हर लेने वाला है एवं पवित्र जयदायक तथा संपूर्ण विपत्तियों से मुक्ति दिलाने वाला है, उस सर्वश्रेष्ठ शिव कवच का मैं तुम्हारे हित के लिए उपदेश करूंगा। मैं विश्वव्यापी ईश्वर महादेव जी को नमस्कार करके मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाले इस शिव स्वरूप कवच का वर्णन करता हूँ। पवित्र स्थान में यथा योग्य आसन बिछाकर बैठे, इंद्रियों को अपने वश में करके प्राणायाम पूर्वक अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करें, जो हृदय के कमल के भीतर की कणिका में विराजमान है, जिन्होंने अपने तेज से आकाश मंडल को व्याप्त कर रखा है, वे अतीन्द्रिय अर्थात जिनका अनुभव इंद्रियों के द्वारा न हो सके, सूक्ष्म अनंत एवं सबके आदि कारण है, उन परमानंदमय भगवान महेश्वर का मैं ध्यान करता हूँ। इस प्रकार ध्यान द्वारा समस्त कर्म बंधन का नाश करके चिदानंदमय भगवान सदाशिव में अपने चित्त को लगाए रहे, फिर षडक्षर न्यास के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके मनुष्य शिव कवच के द्वारा अपनी रक्षा करे। सर्वदेवमय महादेव जी गहरे संसार कूप में गिरे हुए मुझ असहाय की रक्षा करें। उनका दिव्य नाम जो उनके श्रेष्ठ मंत्र का मूल है, मेरे हृदय में स्थित समस्त पापों का नाश करे। संपूर्ण विश्व जिनकी मूर्ति है, जो ज्योतिर्मय आनंद घन स्वरूप चिदात्मा है, वे भगवान शिव मेरी सर्वत्र रक्षा करें। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, महान शक्ति से संपन्न है, वे अद्वितीय ईश्वर महादेव जी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। जिन्होंने पृथ्वी रूप से इस विश्व को धारण कर रखा है, वे अष्टमूर्ति भगवान गिरीश पृथ्वी पर मेरी रक्षा करें। जो जल रूप से जीवों को जीवनदान दे रहे हैं, वे शिव जी जल के भीतर मेरी रक्षा करें। जो विशद लीला विहारी शिव जी कल्प के अंत में समस्त भुवनों को दग्ध करके आनंद से नृत्य करते हैं, वे काल रुद्र भगवान शिव दवानल से आंधी तूफान के भय से और समस्त तापों से मेरी रक्षा करें। प्रदीप्त विद्युत एवं स्वर्ण के सदृश जिनकी कांति है, विद्यावर और अभय की मुद्राएं हैं, तथा कुल्हाड़ी जिनके कर कमलों में सुशोभित है, जो चतुर्मुख और गहरे आसमानी रंग के नेत्रों वाले त्रिलोचन हैं, वे तत्पुरुष भगवान शिव पूर्व दिशा में निरंतर मेरी रक्षा करें। जिन्होंने अपने हाथों में कुल्हाड़ी वेद अंकुश फंदा त्रिशूल कपाल डमरू और रुद्राक्ष की माला को धारण कर रखा है, तथा जो चतुर्मुख हैं,
वे नीलकांति त्रिनेत्रधारी भगवान अघोर दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। कुंद, चंद्रमा, शंख और स्फटिक के समान जिनकी उज्ज्वल कांति है, वेद, रुद्राक्ष माला, वरद और अभय मुद्राओं से जो सुशोभित हैं, वे महाप्रभावशाली चतुरानन एवं त्रिलोचन भगवान सद्योजात पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। कमल के फूल के पराग सदृश जिनका गौर वर्ण है, चार सुंदर मुख वाले वे त्रिनेत्रधारी भगवान वामदेव उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। जिनके कर कमलों में वेद, अभय और वर मुद्राएं, अंकुश, टांकी, फंदा, कपाल, डमरू, रुद्राक्ष माला और त्रिशूल सुशोभित हैं, जो श्वेत आभा से युक्त हैं, वे परम प्रकाश रूप पंचमुख भगवान ईशान मेरी ऊपर से रक्षा करें। भगवान चंद्रमौली मेरे सिर की, भाल नेत्र मेरे ललाट की, भगनेत्र हारी मेरे नेत्रों की और विश्वनाथ मेरी नासिका की सदा रक्षा करें। श्रुति गीत कीर्ति मेरे कानों की, कपाली सदा मेरे कपोलों की, पंचमुख मेरे मुख की तथा वेद जिह मेरे जीव की रक्षा करें। नीलकंठ महादेव मेरे कंठ की, पिनाक पाणी मेरे दोनों हाथों की, धर्म बाहु मेरे दोनों कंधों की तथा दक्ष यद विध्वसी मेरे वक्षस्थल की रक्षा करें। गिरीन्द्र धनवा मेरे पेट की, कामदेव के नाशक मेरे शरीर के मध्य भाग की, गणेश जी के पिता मेरे नाभि की तथा धूर्जटी मेरे कटी भाग की रक्षा करें। कुबेर के मित्र मेरे दोनों जांघों की, जगदीश्वर दोनों घुटनों की, पुंगव केतु मेरे दोनों पिंडलियों की और सुरवंद्य चरण मेरे पैरों की रक्षा करें। भगवान महेश्वर दिन के पहले पहर में मेरी रक्षा करें। वामदेव मध्य प्रहर में मेरी रक्षा करें। त्र्यंबक तीसरे प्रहर में और विषभ ध्वज दिन के अंत वाले प्रहर में मेरी रक्षा करें। शशिशेखर रात के आरंभ में, गंगाधर अर्ध रात्रि में, गौरीपति रात्रि के अंत में और मृत्युंजय हर समय मेरी रक्षा करें। शंकर घर के भीतर रहने पर मेरी रक्षा करें। स्थाणु घर से बाहर रहने पर मेरी रक्षा करें। पशुपति बीच में मेरी रक्षा करें और सदाशिव सब ओर से मेरी रक्षा करें। भुवनैक नाथ खड़े होने के समय, प्रमथ नाथ चलते समय, वेदांत वेद्य बैठे रहने के समय और अविनाशी भगवान शिव शयन करते समय मेरी रक्षा करें। भगवान नीलकंठ मार्ग में मेरी रक्षा करें। त्रिपुरारी शैल आदि दुर्गों में और उदार शक्ति मृग व्याध वनवास आदि महान प्रवासों में मेरी रक्षा करें। जिनका प्रबल क्रोध कल्पों का अंत करने में अत्यंत तीक्ष्ण है, जिनके प्रचंड अट्टहास से ब्रह्मांड कांप उठता है, वे वीरभद्र जी समुद्र के सदृश भयानक शत्रु सेना के दुर्निवार अर्थात जिसे सहसा रोका ना जा सके वैसे महान भय से मेरी रक्षा करें। भगवान मृण मुझ पर आताताई रूप से आक्रमण करने वाले की, हजार, दस हजार, लाखों और करोड़ों पैदल, घोड़ों और हाथियों से युक्त अति भीषण सैकड़ों अछौड़ी सेनाओं का अपनी घोर कुठार धार से भेदन करें। भगवान त्रिपुरांतक का प्रलयाग्नि के समान ज्वालाओं से युक्त जलता हुआ त्रिशूल दस युदल का विनाश कर दे और उनका पिनाक धनुष, चीता, सिंह, रीछ, भेड़िया आदि हिंसक जंतुओं को भयाक्रांत करे। भगवान जगदीश्वर मेरे बुरे स्वप्न, बुरे शगुन, दुर्गति, मन की दूषित भावना, दुर्भिक्ष, दुर्व्यसन, दुस्सह अपयस, उत्पात, संताप, विष भय, दुष्ट ग्रहों की पीड़ा तथा समस्त रोगों का नाश करे। ओम जिनका वाचक है, संपूर्ण तत्व जिनके स्वरूप हैं, जो संपूर्ण तत्वों में विचरण करने वाले समस्त लोगों के एकमात्र कर्ता और संपूर्ण विश्व के एकमात्र भरण पोषण करने वाले हैं, जो अखिल विश्व के एक ही संहारकारी, सब लोगों के एकमात्र गुरु, समस्त संसार के एक ही साक्षी, संपूर्ण वेदों के गूढ़ तत्व, सबको वर देने वाले, समस्त पापों और पीड़ाओं का नाश करने वाले,
सारे संसार को अभय देने वाले, सब लोगों में एकमात्र कल्याणकारी, चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, अपने सनातन प्रकाश से प्रकाशित होने वाले, निर्गुण, उपमा रहित, निराकार, निराभास, निरामय, निष्प्रपंच, निष्कलंक, निर्द्वंद, निसंग, निर्मल, गति शून्य, नित्य रूप, नित्य वैभव से संपन्न, अनुपम ऐश्वर्य से सुशोभित, निराधार, नित्य शुद्ध बुद्ध, परिपूर्ण, सच्चिदानंद घन, अद्वितीय, परम शांत, प्रकाशमय तथा तेज स्वरूप हैं। उन भगवान सदाशिव को नमस्कार है। हे महारुद्र, महारौद्र, भद्रावतार, दुख दावाग्नि विदारण, महाभैरव, काल भैरव, कल्पांत भैरव, कपाल मालाधारी, हे खटवांग, खड़ग, ढाल, फंदा, अंकुश, डमरू, त्रिशूल, धनुष, बाण, गदा, शक्ति, भिंदीपाल, तोमर, मुसल, मुगदर, पट्टिश, परशु, परिग, भुशुंडी, शतग्नि एवं चक्र आदि आयुधों के द्वारा अत्यंत भयंकर हाथों वाले, हजार मुख और दृष्टा कराल, अर्थात जिसे देखने से भी भय लगे, ऐसे दाढ़ वाले, विकट अट्टहास से विशाल ब्रह्मांड मंडल का विस्तार करने वाले, नागेंद्र वासुकी को कुंडल, हार, कंकड़ तथा ढाल के रूप में धारण करने वाले, मृत्युंजय, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुर के नाशक, भयंकर नेत्रों वाले, विश्वेश्वर, विश्व रूप में प्रकट, बैल पर सवारी करने वाले, विश्व को गले में आभूषण रूप में धारण करने वाले तथा सब ओर मुख वाले भगवान शंकर, आपकी जय हो, जय हो। आप मेरी सब ओर से रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, प्रज्वलित होइए, प्रज्वलित होइए। मेरे महामृत्यु भय का तथा अपमृत्यु के भय का नाश कीजिए, नाश कीजिए। बाहरी और भीतरी रोग तथा भय को जड़ से मिटा दीजिए, जड़ से मिटा दीजिए। विष और सर्प के भय को शांत कीजिए, शांत कीजिए। चोर भय को मार डालिए, मार डालिए। मेरे काम क्रोध लोभ आदि भीतरी इंद्रियों के और शरीर के द्वारा होने वाले पाप कर्म रूपी बाहरी शत्रुओं का उच्चाटन कीजिए, उच्चाटन कीजिए। त्रिशूल के द्वारा विदारण कीजिए, विदारण कीजिए। कुठार के द्वारा काट डालिए, काट डालिए। खड़ग के द्वारा छेद डालिए, छेद डालिए। खटवांग के द्वारा नाश कीजिए, नाश कीजिए। मुसल के द्वारा पीस डालिए, पीस डालिए। और बाणों के द्वारा बींध डालिए, बींध डालिए। आप मुझ पर हिंसा करने वाले राक्षसों को भय दिखाइए, भय दिखाइए। भूतों को भगा दीजिए, भगा दीजिए। कुष्मांड, बेताल, मारीगण और ब्रह्म राक्षसों को संत्रस्त कीजिए, संत्रस्त कीजिए। मुझको अभय दीजिए, अभय दीजिए। मुझ अत्यंत डरे हुए को आश्वासन दीजिए, आश्वासन दीजिए। नरक भय से मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। मुझे जीवन दान दीजिए, जीवन दान दीजिए। क्षुधा तृष्णा का निवारण करके मुझको संतुष्ट कीजिए, तृप्त कीजिए। मुझ दुखातुर को आनंदित कीजिए, आनंदित कीजिए। शिव कवच से मुझे आच्छादित कीजिए, ढक दीजिए। हे त्र्यंबक सदाशिव, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। ऋषभ जी कहते हैं, इस प्रकार यह वरदायक शिव कवच मैंने कहा है। यह संपूर्ण बाधाओं को शांत करने वाला तथा समस्त देहधारियों के लिए अत्यंत गोपनीय रहस्य है। जो मनुष्य इस उत्तम शिव कवच को सदा धारण करते हैं, उसे भगवान शिव के अनुग्रह से कभी और कहीं भी भय नहीं होता। जिसकी आयु क्षीण हो चली है, जो मरणासन हो गया है,
अथवा जिसे महान लोगों ने मृतक सा कर दिया है, वह भी इस कवच के प्रभाव से तत्काल सुखी हो जाता है और दीर्घायु को प्राप्त कर लेता है। शिव कवच समस्त दरिद्रता का शमन करने वाला और सुमंगल को बढ़ाने वाला है। जो भी मनुष्य इसे धारण करता है वह देवताओं से भी पूजित होता है। इस शिव कवच के प्रभाव से मनुष्य महापातकों के समूहों और उपपातकों से भी छुटकारा पा जाता है तथा शरीर का अंत होने पर शिव धाम को प्राप्त करता है। वत्स, तुम भी मेरे दिए हुए इस उत्तम शिव कवच को श्रद्धा पूर्वक धारण करो, इससे तुम शीघ्र और निश्चय ही कल्याण के भागी होगे। इति श्री स्कंदे महापुराणे एकाशित सहस्त्र्याम तृतीय ब्रह्मोत्तर खंडे अमोघ शिव कवचम संपूर्णम। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय।